ये आप अपने आप से पूछे, यानी कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ना मैं अपने आप, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इमाम वक्त को कितना पुकारा। असल तो देखे, चाहे वो आप या अली मदद कहे या हुसैन कहे, सब अपनी जगह पर है, जाहिर है सब इमाम है, लेकिन अपने जमाने के इमाम को पुकारना या साहिब जमान अदरकनी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पता चलता है कि आप अपने इमाम के इंतजार कितना कर रहे हैं। आप हो सकता है इमाम अली को पुकारते रहे, इमाम अली को बोलते रहे, इमाम अली को सुनते रहे, इमाम अली की बातें करें, लेकिन आप कूफा के जिम्मेदार नहीं है, आपको कूफा का सवाल नहीं किया जाएगा कि इमाम को कूफा में, आपसे यहाँ का, अगर आप जब इमाम जमाना को पुकारेंगे तो आपकी ड्यूटी एक्टिव हो जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इमाम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है जाने मोहतरमा, वी हैव टू स्टार्ट। मैंने पहले भी बार बार मैं इसको रिपीट करता रहता हूं कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, फिर अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट करना है, फिर अपने शहर में स्टार्ट करना है। तो हम अपने इमाम जमाना की विलादत का जश्न कैसे लेते हैं अपने सोसाइटी में? क्या हम अहले सुन्नत को दावत देते हैं? बहरहाल उनका भी तो इमाम है, इमाम मेहदी उनके भी तो है, बहरहाल आना तो है उन्होंने, हम उनको गैदर करते हैं क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ। क्या हमने कोई प्रोग्राम किया आज तक कि दुनिया अदालत पर चाहती है, दुनिया जस्टिस चाहती है, दुनिया नेचर के साथ जिंदा रहना चाहती है, दुनिया पॉल्यूशन से बाहर रहना चाहती है, दुनिया चाहती है कि बहरहाल लोग जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आए, दुनिया से भूख खत्म हो जाए, दुनिया से बीमारी खत्म हो जाए, तो ये नेचुरल लोगों की डिमांड है। तो हम इमाम की हुकूमत की मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम अपने ब्रांड की मार्केटिंग तो करते हैं कि हम ये बेचते हैं, हम वो बेचते हैं, हमारा ये कारोबार है, हमारा वो कारोबार है, लेकिन इमाम जमाना की हुकूमत की मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई एड, कोई प्लान, मतलब हमने सोचा है कि इमाम की हुकूमत में हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, बिल्डिंग कैसे होंगी, हमारा सिस्टम कैसे होगा, गाड़ियां कैसे होंगी, आईटी स्ट्रक्चर कैसे होगा, डाटा साइंसेस कहाँ होगा? और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं वहां पर इमाम के जहूर की प्लानिंग कहाँ है। तो जब ये नहीं है तो फिर आप अल्लाह जल्ला जल करते रहिए, कहाँ आएंगे वो, किसके पास आए? तो अब आपके पास वही 1440 मिनट्स में 5 मिनट्स कम से कम फ्राइडे आप इमाम के लिए रखे, और आप ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं मौलाना, मुझे तो समझ में नहीं आता, या समझ में किसी को भी नहीं आता भाई, किसी ने खुद करना है। आप कोशिश करेंगे तो इमाम खुद आपकी मदद करेंगे। जब इमाम आपके गैबत में है और जिंदा है, हयात है, तो why not? आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे? आपको इस कनेक्शन को सही करना है जाने मोहन।